हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना भी खा लिया है। आज हमने खिचड़ी जैसी बनाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मेरे पेट में दर्द हो रही थी, कल भी ऐसी हो रही थी, आज भी ऐसी हुई हुई। तो आज तो मैंने खिचड़ी जैसी बनाई थी। और अभी मैं, राजीव सो गया है, मैं बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि देखो सुबह उठते हैं ना तो अच्छे नहीं होते, जूठे बर्तन दिख जाए या फिर किचन का काम दिखता है तो अच्छा नहीं होता ऐसे। इससे अच्छा तो पहले कि ये हम अपना किचन की साफ सफाई पहले ही करके सो सकते हैं। तो अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ। इस सुबह के लिए मैं चने भिगने डाल रही हूँ। कुछ हम ऐसे ही खा लेंगे, कुछ के हम आधे हम सब्जी बनाएंगे और आधे हम ऐसे ही मतलब इसको भून के बनाएंगे और फिर खाएंगे, क्योंकि चने ऐसे भी हेल्थी होते हैं। अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। मैंने विम ले लिया है फ्रेंड्स, और मैंने इसको पानी से थोड़ा सा धो दिया था पहले कढ़ाई को और कड़छी को भी, कड़छी भी धो दी। और ऐसे करती हूँ, आज दिन को भी फ्रेंड्स मैं लेटी रही, सोई रही, मतलब क्योंकि मेरी ना जो पेट में ऐसी दर्द रही। मैं ऐसे ही पहले बर्तन धोती हूँ, पहले पानी के साथ वॉश करना, फिर विम लगाना, डिश वॉश लगाना। फ्रेंड्स, मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। और क्योंकि वीडियो फिर लंबी बनी हो जाती है ना, फिर और भी कुछ दिखाना हो तो मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, रात को ही सोने से पहले हमें खाना खाने के बाद बर्तन भी साफ कर लेने चाहिए और गैस भी साफ करनी चाहिए। फ्रेंड्स, रात को ही मैंने अपना गैस चमका दिया, मतलब अभी चमका रही हूँ, अभी चमका दूंगी बस अच्छी तरह। तब ये है कि जब हम सुबह उठते हैं, अपने किचन में जाते हैं तो एक महकी महकी सी किचन दिखती है और सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। और जैसे हम अपने फेस में चमका के रखते हैं, वैसे हमारे को अपना किचन भी चमका के रखना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, आप बताएं कि जैसे हम अपने आप को चमका के रखते हैं, वैसे हमारे को फेस, किचन एंड अच्छी तरह चमका के रखना चाहिए। मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है ना, बड़ी मुश्किल से मैं
फोन को लगा के काम करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे को रात को ही ऐसे घर मतलब किचन चमका के रखना चाहिए, इससे हमारे घर में बरकत होती है और अन्न अनाज की कभी कोई कमी नहीं होती घर में। अगर हम रात को ही अपने किचन को चमका के रखेंगे, गंदगी नहीं रखेंगे हम अपने किचन में, तो बहुत बरकत होती है। आप इस बात को आजमा के देख लेना। हमें अपने गैस को साफ करना चाहिए, रात को मीठे बर्तन नहीं रखना चाहिए और हमेशा से साफ सुथरे रख के फिर सोना चाहिए। और मुझे तो फ्रेंड ऐसे है कि अगर गंदगी रह जाती तो नींद नहीं आती, और मेरा रूम तो साथ साथ में ही है और मुझे तो ऐसा ध्यान आता रहता है कि मैं किसी के घर में गई थी तो उन्होंने मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, तो वहाँ पे मुझे नींद तक नहीं आई रात को, ना वहाँ बोला जाए मेरे से कि मुझे स्मेल आ रही है ऐसे कुछ भी, क्योंकि अपने अपने घर की आदत होती है, अपनी अपनी हैबिट होती है सबको। तो ऐसे कि हमारे को खुद अपना बर्तन सारा कुछ अहम चमका के रखना चाहिए, ठीक है जी। और कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल तो सभी एक्स बहुत मतलब क्या बोलते हैं, सुपर फास्ट है हर एक बात के लिए, हर एक जानकारी के लिए। पर मेरा मकसद भी यही था थोड़ा सा बताना कि हमारे को रात को अपने रसोई को अच्छी तरह चमका के रखना चाहिए और ताकि लक्ष्मी माता खुश रहे। लक्ष्मी माता नहीं आती उस घर में जहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने अब ये गैस भी चमका दिया है और ऐसे ही साफ कर दिया है बिल्कुल, और सिंक को भी मैंने ऐसे चमका दिया है, सारे बर्तन ऊपर लगा दिए हैं धोकर। और तो हमें मतलब ऐसे ही डेली हम करेंगे अपने घर में तो बहुत ज़्यादा बरकत होएगी। और रात को ये ज़रूर करें सोने से पहले,